क्वीन 2013 में आई एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें कंगना रनावत, लीजा हेडन और राजकुमार राव मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की शुरुआत रानी मेहरा से होती है जो एक घरेलू लड़की है जिसकी शादी के एक दिन पहले उसका मंगेतर विजय उसे बताता है कि वह यह शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल रानी की लाइफस्टाइल से काफी अलग है और विचारों के इस मतभेद की वजह से उनकी शादी सफल नहीं हो पाएगी। शादी टूट जाने की वजह से रानी बहुत दुखी होती है और अपने पास्ट को याद कर बहुत रोती है। बाद में वह अपने पेरेंट्स को बताती है कि वह अकेले ही हनीमून पे जाना चाहती है क्योंकि पेरिस के टिकट्स शादी के पहले ही किए जा चुके थे। उसके पेरेंट्स शुरुआत में हिचकिचाते हैं लेकिन बाद में उसे अनुमति दे देते हैं, यह सोचकर कि यह सफर उसके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगा। पेरिस में वह विजय लक्ष्मी से मिलती है जो एक ओपन माइंडेड लड़की है। फिल्म में हमें आगे दिखता है कि रानी नए शहर में आकर बहुत खुश है मगर उसे वहाँ पे कुछ लूटपाट का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उसे लोकल पुलिस की मदद मांगने की नौबत आती है। रानी वापस इंडिया लौटने का फैसला करती है लेकिन विजय लक्ष्मी उसे सारा शहर घुमाने का वादा करती है। वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय करते समय उसे समझ आता है कि कैसे इंडिया में विजय उसे हमेशा रोका टोका करता था। वहाँ वो हर काम करती है जिसे वह पेरिस में खुलेआम कर सकती थी। हमें दिखता है कि रानी एक्सपोजिंग कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाती है और उसे विजय लक्ष्मी के बजाय विजय को भेज देती है। रानी को अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि इस सेल्फी की वजह से विजय का उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हम आगे देखते हैं कि रानी एम्स्टरडैम के लिए रवाना होती है लेकिन जब वह एम्स्टरडैम जाती है तब उसे पता चलता है कि उसे अपने होटल रूम में तीन और लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। पहले तो वह तीनों से फ्रेंडशिप करना नहीं चाहती थी क्योंकि सभी अलग अलग बैकग्राउंड से थे लेकिन बाद में वह उनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। और उनके साथ घूमना, शॉपिंग करना, क्लबिंग करना वगैरह शुरू कर देती है। हमें बाद में दिखता है कि रानी वहाँ रुखसार से दोस्ती करती है जो अपने परिवार की अकेली कमाई का साधन है और जो विजय लक्ष्मी की भी दोस्त होती है। बाद में हमें दिखता है कि रानी बहुत कॉन्फिडेंट बनकर अपने बल पर खुद की जिंदगी के फैसले लेने लगती है। अपने पैसे कमाने की ताकत को समझकर वह पानीपुरी का धंधा करती है और एक कुक ऑफ इवेंट जीत लेती है। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होता है कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। एक दिन अचानक विजय वहाँ पे पहुँच जाता है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। उनमें बातचीत बढ़ती है और वह रानी का कलाई पकड़ लेता है और फिर रानी को बचाने के लिए उसके सारे दोस्त वहाँ खड़े हो जाते हैं। विजय उसको बताता है कि कैसे वो वेस्टर्न कल्चर के चकाचौंध में बिगड़ चुकी है जहाँ दिन भर उसे घूमना और क्लबिंग करना पसंद है। रानी ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन हम देखते हैं वो अपने सारे दोस्तों को गुड बाय बोलकर वापस इंडिया आ जाती है। दिल्ली पहुंचकर रानी विजय से उसके घर पे मिलने जाती है। विजय और उसके परिवार को लगता है कि रानी ने विजय को माफ कर दिया है और वह शादी की बात करते हैं मगर रानी उसकी सगाई वाली अंगूठी लौटा देती है और उसका शुक्रिया मनाती हुई यह सलाह देती है कि उसने उसे दुनिया घूमने का मौका दिया और खुद में बदलाव लाने का मौका देकर दुनिया की पहचान करवाई। उसे अपनी दादी माँ की बात याद आती है कि जो हुआ भले के लिए हुआ। फिल्म के आखिर में हमें दिखता है कि रानी के होठों पे एक कॉन्फिडेंट वाली स्माइल है और यह फिल्म यहीं पे समाप्त हो जाती है। सो दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून।